अगे वधांगे संयुक्त किसान मोर्चे दा पंजाब सरकार खिलाफ हल्ला बोल अज वख वख थावां ते वेखण नूं मिल रहा है। एसकेएम गैर राजनीतिक वल्लों अज मुजारे कीते जा रहे ने। अज सूबे भर विच किसानां ने चक्का जाम कर दिता है, वख वख मंगां नूं लै के आवाज बुलंद कर रहे ने। तलवंडी साबो तों साडे सहयोगी मनीष जुड़ गए ने। मनीष, इस समय दीआं की कुछ तस्वीरां सामने आ रही ने? बिल्कुल, अज पंजाब भर में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर वालों जिहड़ा उहदे नाल नाल एसकेएम वालों जिहड़ी गैर राजनीतिक है उन्हां वालों जिहड़ा अज पंजाब भर में रोस प्रदर्शन किया गया। तो तलवंडी साबो जिहड़ा खास स्थान रखा गया, इत्थे सिर्फ बीबियां वालों धरना लगाया गया, जाम लगाया गया। असीं इस वक्त मौजूद हाँ DSP चौंक च जिथे बीबियां वालों जाम लगा दिता। तस्वीरां तुहानूं दिखा दईए कि इत्थे बीबियां जिहड़ियां वड्डी गिणती विच पहुँच चुकियां ने, ते इन्हां ने जाम आ जिहड़ा इत्थे लगा दिता गा, ते पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन लगातार किया जा रहा। तुसीं तस्वीरां देख रहे हो कि तलवंडी साबो दीआं जिथे किसानी मंगां नूं लै के SKM वल्लों जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया जा रहा। पूरे पंजाब विच अलग अलग जगह ते जिहड़ा अज समां दित्ता गया सी, ते तलवंडी साबो सिर्फ बीबियां नूं प्रदर्शन करन लई थां दित्ती। तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां कि वक्ख वक्ख पिंडां तों जिहड़ियां बीबियां ने ओह पहुँच चुकियां ने, ते बीबियां नाल वी आपां गल्लबात करन दी कोशिश करदे हां कि अज की मंगां ने, किस तरह दी इहनां दा रोस प्रदर्शन रहेगा। साडे नाल बीबियां नेता जिहड़ियां ने इहनां दीआं किसान यूनियन दीआं, उहनां नाल गल्लबात करांगे। बीबी अज बीबी जी, अज किस तरह का रोस प्रदर्शन किया जा रहा, की थोड़ियां मंगां हैगियां ने पूरे पंजाब विच ने, खासकर बीबियां जिहड़ियां अज तलवंडी साबो विखे जाम लगा के रोस प्रदर्शन कर रही हैगियां? हाँ जी, मैं अमरजीत बठिंडा, गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग हुई सी पंजाब सरकार नाल 6 अक्तूबर नूं, मन्नियां होईयां जो मंगां सी उहदा नोटिफिकेशन जारी करन दी बजाए पंजाब सरकार कन्न परने सुत्ती पई है। तां असीं इह पंजाब सरकार नूं दस देना चाहुंदे हां कि असीं भैणां वीरां दे मोढे दे नाल मोढा ला के खड़ियां, असीं वी किसानां दीआं धीआं भैणां, असीं हमेशा किसान वीरां दे मोढे नाल मोढा ला के रखांगे। जिहड़ी इह सरकार है इह चोरां नाल रली होई है, जिस तरह यूनिवर्सिटी दे बच्चिआं नाल जो ठगी वज्जी है, एक जिवें सियाणे कहिंदे हुंदे कुत्ती चोरां नाल रली वी आ, ओह गल होई वी आ। तुहानूं कहा सी वी किसानां दा जिहड़ा मुआवजा दित्ता जाऊगा नरमे खराब होए, फिर सरकार ने ऐलान कीता कि सिद्धी झोने की बिजाई की जाए तो उहदा मुआवजा दित्ता जाऊगा? नहीं, जिहड़ी सरकार ना वादे तां करदी है, वादे तां बहुत वड्डे वड्डे करदी है, पर साडे पल्ले कुछ नहीं पाउंदी। इस लई असीं इह अज जिहड़ी रोड जाम कीता, ते जे ना साडीआं जिहड़ीआं मंगां मन्नीआं गईआं उहनां दा हल ना कोई होया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਏਰਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਰਾ ਫੇਰੀ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਅਕਤ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਮੇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਧਰ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਕੇਰੀਆਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਜਵਾ ਪਿਛਲਾ ਹਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਨਰਮੇ ਦੀ। ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੰਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ठगी मारी है, जाली डिग्रियां दत्तियां उन्हां नूं, उह साडा चल रहा जो दो मेन मंगां नूं लैके अज तलवंडी साहब इत्थे रोड ते जाम लाया सिर्फ कलियां माइयां वल्लों कि जिन्ना चिर नरमे की गरदौरी नमे की तो मुआवजा नहीं देंदे नाल यूनीवर्सिटी के जो उन्होंने डिग्रियां जाली करिया यूनीवर्सिटी बंद नहीं करते तो जिन्हां ने इन्हां व्यक्तियां दे धरने दे शांतमई बैठे से उन्हां ते जानलेवा हमला करिया। अमनदीप लक्की जुड़े ने, अमनदीप फरीदकोट तो किस तरह दियां तस्वीरां सामने आ रही ने क्योंकि अज सवेर तो ही इस तरह धरना प्रदर्शन किसानां वल्लों कीता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं दसना चाहूँगा कि जिहड़ा किसान जथेबंदियां ने संयुक्त किसान मोर्चा ने अज 16 नवंबर की जिहड़ी कॉल दी सी कि मुकम्मल तौर पर जिहड़ियां पंजाब दियां सड़कां बंद कर दित्तियां जाणगियां तो तुसीं देख सकते हो कि नैशनल हाईवे नंबर 54 असी नैशनल हाईवे नंबर 54 जिहड़ा कि अमृतसर बठिंडा हाईवे हैगा इसे ते असी मौजूद हैगे हां। किसानां ने अपना जिहड़ा जाम हैगा ला दिता हैगा और जिहड़ा किसानां वल्लों रोस प्रदर्शन जिहड़ा हैगा वह जारी हैगा और किसानां ने ऐलान किया हैगा कि शाम नूं 5 बजे तक जिहड़ियां इह सड़कां हैगियां पंजाब दियां सड़कां ते जिथे भी उह धरना ला के बैठे हैगे आ उह 5 बजे तक इह सड़कां जाम रखणगे। जेकर गल कर लईए तां इहनां दियां की मंगां हैगियां, जगजीत सिंह डल्लेवाला जो कि पंजाब दे प्रधान आ उहनां ने भी साडे कोले पहलां जिक्र कीता कि उहनां दियां मंगां की हैगियां और कोशिश करांगे किसान यूनियन दे नुमाइंदियां नाल गल करन तों जानन दी गल करांगे की मंगां नूं लै के धरना लाया गया है। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਨ ਹੈ? ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ। तो बिल्कुल पराली का मुद्दा हैगा और एक इन्हों के जेडे मेन मुद्दे है अमृतसर भी इन्हों का धरना लगातार जारी है, मानसा के भी इन्हों का धरना लगातार जारी है और फरीदकोट भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर इन्हों का धरना जारी है। कुछ मुद्दे ने जेडे कि किसान इन्हों के नाल के किसान है जी वो शहीद होए थे उन्हों दिया मुआवजे लैके उन्हों दिया सरकारी नौकरियों लैके और पराली का मुद्दा हैगा और एक जी कणक की सॉरी गन्ने की बिजाई है जी कमाद की बिजाई है उस बिजाई लैके तो यह सारिया मंजा लैके जिहड़ा ये अपना किसान हैगे जिहड़े एजिटेशन कर रहे हैं और इन्हां दा कहना हैगा कि जेकर सरकार साडियां मंगां वल ध्यान देवे तां सानू सड़कां दे उतरन दी ना लोड़ पवे। संयुक्त किसान मोर्चे दा पंजाब सरकार खिलाफ हल्ला बोल जारी है, पराली साड़न वाले किसानां वल्लों मंग कीती जा रही है कि जो परचे कीते जा रहे ने ओह ना कीते जाण ते तमाम मंगां नूं लैके इस तरह प्रदर्शन कीते जा रहे ने, वख-वख थावां ते इस तरह प्रदर्शन जारी है।